जोहार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनाग और विलेज बॉय रामनाग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। क्योंकि दोस्तों मैं खास करके विलेज से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों आज है संडे और आज खास है स्पेशल, क्योंकि आज है रक्षाबंधन और मैं आज आप लोगों को रक्षाबंधन का ब्लॉग तो दूसरा वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा काम कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि आज छुट्टी मिला है, घर पर हूँ तो थोड़ा खेत का काम भी कर लूँगा। तो क्या है कि धान लगाया रहा, जहाँ धान लगाया रहा वहाँ थोड़ा कुछ के धान में कुछ पोका लगा हुआ है, पोका की कीड़ा कुछ है तो सफ़ेद कलर का है, तो वहाँ मैं थोड़ा दवा छिड़काने जाऊँगा। और क्योंकि आज नहीं छिड़काऊँगा तो हफ्ता दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे और हफ्ता दिन बाद ही मुझे छुट्टी मिलता है, क्योंकि हफ्ता में 2 दिन छुट्टी रहता है मेरा। तो आज वो काम कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूरा रक्षाबंधन का ब्लॉग दिखाता हूँ। तो चलिए, तो वहाँ का खेत का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ धान लगाया रहा कैसा हुआ है, और वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह देसी तरीका भी है उसका, वो धान में जो कीड़ा लगता है उसका देसी तरीका भी है। लेकिन देसी तरीका से आजकल क्या होता है कि वो देसी तरीका ज़्यादातर कारगर काम नहीं करता, ज़्यादातर फायदा नहीं करता, इसीलिए मैं लेके आया हूँ बाज़ार से दवा जो कि वही डालने वाला हूँ वहाँ, वो आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं वहाँ जाके किस तरह धान का क्या वहाँ नज़ारा होगा, तो वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपना खेत में। देखिए कि ये सफ़ेद कीड़ा लगा हुआ है, तो मैं कीड़ा लगा है खेत में, तो मैं आज देसी तरीका अपनाने वाला हूँ। तो चलिए पीछे का कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह देसी तरीका अपनाते हैं। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ, ये हम लोग बोलते हैं गांव में डब्बा टेंगा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट कीजिएगा। और मैं ये लेके आया ना, तो सबसे पहले इसको पीस पीस कर लेता हूँ। पीस ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, छोटा छोटा साइज का, हाँ अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये सड़ने में टाइम लगेगा। अगर पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है, जो गांव के लोग जो है कि इसका धान में अगर सफ़ेद कीड़ा की कीट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको भी, जो सफ़ेद कलर का होता है वो लग जाता है तो वो धान को ख़त्म कर देता है खा के। तो इसको क्या होता है, यही देसी तरीका अपनाते हैं गांव के ज़्यादातर लोग। और क्या होता है कि इसमें आपका पैसा का बचत भी हो जाता है और इसका फायदा आपको 2-3 दिन बाद ही मिलेगा। इसको सड़ने के लिए टाइम लगेगा, सड़ने के बाद इसका क्या होता है, जो खट्टा टाइप का होता है ना ये डबटेंगा, तो उसी का शायद गैस की उसका पानी में सड़ जाता है, तो उसका सेंट से जो कीड़ा रहता है, जो कीट रहता है वो मर जाता है शायद। तो इसी को हम लोग अपनाते हैं, इससे अगर ठीक नहीं होता है तो जो बाज़ार से लेके आते हैं दवा उसको भी हम लोग छिड़काते हैं। तो क्योंकि मेरा खेत में ज़्यादा नहीं हुआ है तो थोड़ा ही कीट लगा है, तो इसीलिए यही देसी तरीका अपना रहा हूँ। अगर ये देसी तरीके से काम हो जाए तो ठीक है, अगर काम नहीं होता है तो दवा जो बाज़ार से लाया था उसको छिड़काने वाला हूँ। और देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों जो इसमें बहुत मेहनत भी लगता है, क्योंकि खेती जो हम लोग करते हैं, खेती करके उसमें दवा भी देना पड़ता है तभी उसका फल मिलेगा, और उसको देखभाल करना पड़ता है बहुत ही ध्यान में। तो एक्चुअली देखा जाए तो खेती में ज़्यादातर हम लोग खर्चा ज़्यादा और फसल कम मिलता है।
तो बस अभी पीस हो गया है इसका, शायद में 6 या 7 लेके आया रहा इसका पीस हो गया, और सबको एक साथ में काट लेता हूँ, उसके बाद ही उसमें फेंकूँगा खेत में। ये खास करके जो पत्थर में ज़्यादा पानी रहता है उसी में ये कारगर है, अगर आप जो खेत में पानी नहीं रहेगा उसमें ये फेंकिएगा तो ये लाभ नहीं होगा। चलिए इसको फटाफट काट लेता हूँ। और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, और ये भाई आदिवासी भाई के लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा, और जहाँ लगा हुआ है अभी उसी जगह फेंकने वाला हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं वही वो किट लगा हुआ है, और इसे तो ज़्यादा लगा नहीं हुआ है, ज़्यादा अगर लगा होता तो इसमें मैं दवा छिड़कता, तो थोड़ा ही लगा हुआ है। और ये धान लगा के मुझे शायद 1 महीना हुआ होगा, तो इतना ये रंजित का धान लगाया है। और इसमें मैं 2 बीघा धान का खेती किया हूँ। सब रंजित का ही धान है ये जो आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये खेत भी मेरा ही है, और जो बगीचे पीछे दे रहे वो भी मेरा ही है। तो अभी आप लोगों को कीड़ा दिखा। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसी में जो सफेद कलर का जो कीट है, कीड़ा बोलते हैं, यही लगा हुआ है। ये देखिए पत्ता में जो सफ़ेद कलर का है, इसका कीटू अलग तरह से रहता है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो सड़ गया है नीचे देखिए आप लोग पत्ता सब, तो इसी तरह ये लोग पूरा धान को पौधा धान की पौधा को ख़त्म कर देते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मैं जो देसी तरीका वो डाबा टेंगा इसमें दिया हुआ हूँ, और ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और ये भाई का चैनल को जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आज का यही अंत करता हूँ, तो बहुत जल्द मिलते हैं और दूसरा वीडियो खेती से जुड़े वीडियो और ब्लॉग वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ। तो तब तक ले जोहार और जय हिंद।